सभी सखियों और सखाओं को नीलू का प्यार भरा नमस्कार। एपिक धारा में आज है आपके लिए एक हास्य कहानी, गधे का गधा। आशा है आपको पसंद आए। आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि मैं लाती रहूं आपके मनोरंजन के लिए हर बार कुछ नया। तो कहानी शुरू करती हूँ, गधे का गधा। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था जिसे वो बेहद प्यार करता था। दरअसल उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा उदास रहती थी। एक दिन धोबी ने कहा, अरे भगवान, तू तो यूं ही दुख मनाती है। हमारा ये गधा किसी संतान से कम है क्या? सारा दिन मेरा बोझा ढोता है, रात को बाहर ही घास चरकर लौट आता है, हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, और भला संतान कैसी होती है। उसकी पत्नी बोली, बात तो तुम सही कहते हो, ठीक है, आज से यही हमारा बेटा है, हम इसे मोती बुलाया करेंगे। बस तभी से तीनों सुख से रहने लगे, धोबी, उसकी पत्नी और उनका गधा, यानी कि उनका बेटा मोती। एक दिन धोबी मोती को साथ लिए एक गली से गुजर रहा था। चलते चलते उसकी नज़र एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी। धोबी को दूसरों की बातें छिप छिप कर सुनने की आदत थी, सो वो खिड़की से सट कर खड़ा हो गया और बातें सुनने लगा। वो एक मौलवी साहब का घर था जो कुछ बच्चों को तालीम दे रहे थे। धोबी ने सुना मौलवी साहब किसी से कह रहे थे, मैंने तो ना जाने कितने गधों को हफ्ते भर में आदमी बना दिया है, इस काम में तो मुझे महारत हासिल है। धोबी मौलवी की बात का कुछ और ही मतलब समझ बैठा। उसने खिड़की से ही मौलवी साहब को आवाज़ दी, बोला, आप गधे को आदमी बनाने का कितना रुपया लेते हैं? इधर मौलवी साहब भी कुछ और ही समझ बैठे, बोले 1000। धोबी ने मौलवी से अगले दिन आने का वादा किया और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम तो यूं ही इस गधे को अपना बेटा बनाकर संतुष्ट हो गए थे, जबकि 1000 में ये गधा आदमी बन सकता है। जा संदूक से पैसे निकाल ला, अब तो तू सच में बेटे की माँ बनने जा रही है। अगले दिन धोबी अपना गधा लेकर मौलवी के यहाँ जा पहुँचा। गधे को देखकर मौलवी साहब चक्कर में पड़ गए और बोले, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं, इसे ले जाओ यहाँ से। धोबी ना सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने गधे को मौलवी के आंगन में बांधा और ज़बरदस्ती मौलवी के हाथ में पूरे 1000 रुपये थमाकर बोला, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, तब तक आप मेरा काम कर देना। इससे पहले कि मौलवी उसे रोके, धोबी वहाँ से भाग लिया। घर आया पैसा किसे बुरा लगता है, मौलवी को इसकी ज़रूरत भी थी। जब धोबी खुद ही अपना गधा बांध गया तो क्या किया जा सकता है। और फिर पैसों ने मौलवी साहब की नीयत बदल दी थी। मौलवी ने गधे को पास के जंगल में छोड़ दिया और अपने एक शागिर्द को धोबी के यहाँ जाने को मना लिया। 1 हफ्ते बाद धोबी आ पहुँचा तो मौलवी ने अपने शागिर्द को धोबी को सौंपते हुए कहा, काम तो मुश्किल था पर मैंने कर डाला, अब तो खुश होना। धोबी ने जब लड़के को देखा तो बहुत खुश हुआ और मौलवी का शुक्रिया अदा करते हुए लड़के को अपने साथ घर ले गया। 2 दिन तक सब ठीक रहा, पर फिर लड़के ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वो धोबी का किसी काम में ना तो हाथ बटाता और ना ही कहा मानता, बस खाता पीता और सोता। धोबी और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में तंग आ गए और सोचने लगे, इससे तो ये गधा ही अच्छा था, कुछ काम तो करता था। तब धोबी मौलवी के पास दोबारा पहुंचा और बोला, आप कुछ भी करके उसे दोबारा गधा बना दो, जब से आपने उसे आदमी बनाया है उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। मौलवी को धोबी की मूर्खता पर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, ठीक है, ऐसा मैंने पहले कभी किया नहीं, तुम्हारे लिए कर दूंगा, पर 1000 रुपये लगेंगे। तुम लड़के को यहाँ छोड़ जाओ और हफ्ते भर के बाद जब वो दोबारा गधा बन जाएगा तब उसे ले जाना। धोबी ने मौलवी के कहे अनुसार लड़के को वापस छोड़ा, 1000 रुपये थमाए और चला गया। इधर मौलवी ने जंगल से गधे को दोबारा पकड़वा लिया, अच्छे से नहला धुलवा कर खूंटे से बांध दिया। 1 हफ्ते बाद धोबी आया और अपने गधे मोती को लेकर घर की ओर निकल पड़ा।
धोबी को अपनी समझदारी पर बहुत मान हो रहा था। पूरे रास्ते वो मोती से कहता रहा, देखा तूने, अगर तू मेरा कहा मानता तो तुझे दोबारा गधा ना बनना पड़ता। अब तो जीवन भर तुझे ऐसे ही रहना होगा, गधे का गधा।